हेलो गाइस, राम राम, नमस्ते। आप सबका सिया की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे 10 मिनट में बनने वाली अरहर की तड़के वाली दाल, जिसके लिए हमको चाहिए होगी अरहर की दाल और 2 पीस खटाई, जिसको हमने पहले से भिगो रखा है। अब हम दाल को पहले अच्छे से वॉश करेंगे 2 से 3 बार। अब हमने दाल को अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसको चढ़ाएंगे कुकर में। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन कर लिए, इस पे रखेंगे कुकर। कुकर में दाल को डालेंगे। अब कुकर में दाल डाल दी है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम दाल में पानी डालेंगे। दाल में पानी आप अपने हिसाब से डालें, दाल को पतला बनाना है कि गाढ़ा। अब हम इसमें जो हमने खटाई को भिगो के रखा है उस खटाई को डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 2 सीटी आने के बाद अब दाल पक गई है। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है। खटाई डालने से दाल अलग अलग बनती है और दाल का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए चाहिए होगा हमें 10 से 12 लहसुन की कली, जिनको मैंने छील के कट कर लिया, छोटा छोटा जीरा, साबुत मिर्च जिसको मैंने तोड़ लिया है, थोड़ी सी हींग और तड़का पैन। अब हम दाल को दूसरी साइड गैस पे रख देंगे। अब फिर से गैस को ऑन करेंगे, उस पर तड़का पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें पहले डालेंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन को भुनने में टाइम लगता है। जीरा पहले डाल देंगे तो जीरा भुन के काला हो जाएगा। तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने चेक कर लिया। अब इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन की कली को हल्का ब्राउन होने देंगे। लहसुन की कली ब्राउन हो गई है, उसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च और हींग और गैस को स्लो कर देंगे। अब हमारा तड़का तैयार है। हम इसको दाल में डालेंगे और ऊपर से ढक्कन रख देंगे। हमारी दाल बन के रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा मिर्च, जिसको मैंने पतला पतला लंबा कट कर लिया है, और गार्निश के लिए धनिया पत्ती। और 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। 10 मिनट में बनने वाली तड़के वाली अरहर की दाल तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक फिर आसान रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।